वो जो औरत खड़ी है साड़ी में, आप उसको जानते हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ, और बड़ी चोर है वो। मारियो औरत के सर, मारियो जोर से। चोर? चोरी करे छे? चोरनी सर पे, भागो, चोर है, चोर है, भागो, सर पे दिया। ये देखिए, उर्मिला आपकी पत्नी। मुझे डंडा खिलवाएगा, रुको। कपटी महेंद्र बाबू बहुत भारी आदमी, बचाओ बचाओ। उनको तो पता ही है, अब तू देख, मुझे डंडा खिलवा रहा था। आज मजा आवे छे। अरे वाह केशव भैया। <अरे बाबा। laughs> ले लिया हा? केशव भैया, आपकी कलाई का नाप ले लिया। थैंक यू, यूर मोस्ट वेलकम। उर्मिला वहनी, देखिए इस साल सोने की राखी नहीं है, प्लीज अब मेरे कलाई के नाप की चांदी की राखी बांधना। ठीक है ठीक है, लेकिन आपको भी कसम है क्या, आप इस बार मुझे 1,01,000 रुपए नहीं, सिर्फ 10,001 रुपए देंगे? आपको भाभाकर भाई की कसम। नहीं नहीं, प्रभाकर भाई की कसम। अच्छा, उनकी भी। भाई 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 भाई। हे भारती, हाँ, क्या हुआ? हाँ? हुआ कुछ नहीं है सासु भाई, जो होने वाला है उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि अगर पहले से प्रैक्टिस रही ना तो बाद में आसानी हो जाएगी। लेकिन क्या होने वाला है वहिनी? ऐसे तो आप तब चल रही थी जब मंदार आपके पेट में था, कहीं उसकी प्रैक्टिस तो। आगा भाई, काय तो पर निर्मिती, अभी तो मंदार के लिए सुनबाई लाने का समय हो गया है, और इस समय पे मैं भाई। अरे तो किस बात की प्रैक्टिस कर रही थी तू भारती? संधिवात की बीमारी सासू भाई, मेरे खानदान में सबको है ना, मेरे नानी को, मेरी माँ को, और अब मेरी बारी है। कल को अगर मेरे घुटने जवाब दे गए तो प्रैक्टिस होगी तो आसानी हो जाएगी ना। अरे भारती, तू बीमार होने के बाद कैसे चलेगी इसकी प्रैक्टिस करने के बजाय? ऐसा कुछ कर कि बीमार तू पड़े ही नहीं, मतलब योगा या फिर व्यायाम, ऐसा कुछ। बराबर। अरे घुटना दर्द है। हाय क्रूज। हेलो। हाँ हेलो, ज्योत्सना भाभी, मैं सुधाकर राव बोल रहा हूँ, सुधाकर राव चव्हाण, सुमित का। हाँ हाँ सुधाकर भाव, आप इतना सविस्तर में क्यों बता रहे हैं, मैं पहचानती हूँ आपको। नहीं नहीं भाभी, अभी क्या हुआ, मैंने अन्ना साहब को फोन किया था, सुधाकर राव मेरा नाम बताया, लेकिन वो खुजा कर आओ समझे, और क्षमा करना, वो उनको जरा सुनने की तकलीफ है ना, इसीलिए, और श्रवण यंत्र लगाया नहीं होगा उन्होंने। आप एक काम करना, केशव को फोन लगाना, वो ना ऐसे दुकान की तरफ ही गए होंगे चक्कर काटते हुए, केशव आपकी बात करवा देगा। हाँ अच्छा ठीक है। हो ये फोन भी ना कम्बक। हेलो। हाँ केशव, मैं सुधाकर राव बोल रहा हूँ। हाँ? मैं कल से अन्ना साहब से बात करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, कहाँ है वो? वो तो बाहर गया सुधाकर काका, कुछ काम था आपको? अब क्या बताऊँ केशव, मेरे बेटे और मेरे बहू के बीच में झगड़ा हो गया है, और नौबत ऐसी आई है कि वो दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते है। लेकिन केशव, मैंने मेरे बेटे और मेरे बहू को आपके अभिषेक, उसकी पत्नी और आपके परिवार का उदाहरण दिया है। मैंने उनसे कहा, देखो अन्ना का परिवार कैसे आपसी झगड़े को दूर रख के प्यार से रहता है, उनके बेटे और बहू एक दूसरे से कैसे प्यार से रहते हैं, वो दोनों समझी एक दूसरे को कैसे सगे भाई की तरह रखते हैं, लेकिन मेरे बेटे और बहू मान ही नहीं रहे। तो केशव, मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए मैं मेरे बेटे और बहू को आपके घर भेज देता हूँ, ताकि आप सब मिलकर उन्हें प्यार और आपसी रिश्तों की कीमत समझा सके। बरोबर है सुधाकर काका, वो बरोबर है, लेकिन दरअसल बात ये है कि। हाँ सुधाकर काका, भेज दीजिए संगीता आंटी और सुमित अंकल को, क्या हम सबका प्यार देखेंगे तो अलग होने की बात सोचेंगे ही नहीं। हाँ। लेकिन बेटा अन्ना भाई तो। अन्ना को मैं समझा दूंगा,
और अन्ना को मेरी बात माननी पड़ेगी, एक ही नहीं बोलो। हाँ भगवान, हाय हाय, कहाँ रख दिया मैंने। अन्ना भाई जरा उठना ना, कहाँ चमचा रख के भूल गई। चमचा? आपको अपने चमचे की पड़ी है? अभी हमारे घर में वो सुधाकर का बहू और बेटा आते ही होंगे, अगर उनको पता चल गया कि हमारे बीच में, तो अन्ना आपने परमिशन दी क्यों? वही तो। अरे आपको तो पता है कितनी मुश्किल से हम कृष के सामने एक दूसरे के साथ प्यार का नाटक कर पाते हैं। हम जैसे प्यारे लोगों को प्यार करने में मुश्किल कैसी महेंद्र भाऊ, मुश्किल तो हम लोगों को पड़ रही है अब जैसे गुजराती लोगों के साथ प्यार का नाटक करने में। लेकिन नाटक करने की क्या जरूरत है, आप उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर दो बस। अन्ना ने उन्हें हाँ कह दिया है, वो भी कृष्णा के कहने पर, तो अब ना कैसे बोल दे, वचन दिया है उन्होंने अपने दोस्त को। लेकिन तुम क्या समझोगे, जो खुद सात फेरे लेते वक्त पवित्र अग्नि के समक्ष दिए हुए वचन तोड़कर। तुम बार बार वही बात क्यों बीच में लेके आती हो जो आज तक साबित नहीं कर पाई? हाँ, क्योंकि उसी की वजह से हम दोनों को कृष्णा के सामने एक दूसरे से प्यार करने का नाटक करना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे दिमाग पर जो शक का पर्दा पड़ा है ना, वो वजह है नाटक करने की। और हाँ, मेरे साथ आर्गुमेंट करने से पहले थोड़ा बहुत होमवर्क भी किया करो। सुधाकर अंकल का जो पोता है चिंटू, वो हमारे क्रिश के क्लास में पढ़ता है, हैं? और अगर उसके मम्मी पापा को पता चला हमारे झगड़े के बारे में, तो चिंटू को भी पता चल जाएगा। और जाहिर सी बात है, चिंटू को पता चला तो क्रिश को भी पता चल जाएगा। है, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। ए तो उठ, तो उठ 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 उठ। पता नहीं कहाँ रख के भूल गई मैं चमचा। ए भगवान, सारी चीजें यहाँ वहां रख देती है और फिर भूल जाती है। अभी सौ बात की एक बात। हाँ। देखो, कृष्णा जब भी स्कूल बिस्कूल जाता था तो हम लोग को आपस में झगड़ा करने का मौका भी कब मिल जाता था। लेकिन अभी 24 घंटा ये झगड़ा बिगड़ा भुला के हमको आपस में प्रेम और भाईचारे का नाटक करना होगा, है कि नहीं, बोलो। हाँ हाँ। हेलो, कौन? ए मंदर जमड़ा, मुझे एक दो योगा के व्यायाम सिखाना। अचानक से योगा व्यायाम? वो कहीं मुझे संधिवात ना हो जाए, इसलिए सासूबाई ने आइडिया दिया है। तो आप अन्ना से पूछिए ना। अगवी, वो ना बहुत कंफ्यूज करते हैं मुझे। एक तो उनको ठीक से सुनाई नहीं देता और मुझ में ही दोष निकाल कर मुझे डिचकी ऐसे बोलते रहते। तो आप महेंद्र अंकल से पूछ लीजिए, उनको तो अच्छा व्यायाम आता है। बराबर। चुमड़िया, ये तू कर क्या रहा है? वो क्या है ना, मैं मास्क बना रहा था तो अन्ना ने मुझे मना कर दिया, तो फिर मैं किचन में इस्तेमाल करने वाले बर्तन बनाने लगा, जैसे कि चकला, चिमटी, बेलन। अगो भाई 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 भाई, क्या मस्त बेलन बनाए तूने, है ना? मैंने सोचा कि चार पैसे घर में आएंगे तो घर खर्च में राहत होगी। अरे, लेकिन ये बना किससे रहा है तू? ये लकड़ा और लोहा लाया कहाँ से? वो जो अन्ना का दीवान था ना, उसके पैर मैंने निकाल दिए। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उसके नीचे मैंने ईंटें लगा दी ताकि वो आराम से टिका रहे। और ये जो पंखा है ना, ये बहुत पुराना हो गया था और वैसे भी बारिश का मौसम हो गया है, तो पंखे का क्या इस्तेमाल है? अरे चोमड़िया, वो दीवान कितना पुराना और एंटिक था मालूम है तुझे? जा, ये दीवान के पैर और ये पंखा जगह पे लगा, मैं मारूंगी तुझे। संधिवात। ये अन्ना भाई ने ना वो सुधाकर राव के बेटे और बहू को अपने घर पे रहने को बुला कर ना वो कर डाला है वो। अरे वो क्या होता है वो पेलूम, वो कहावत है ना। हाँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। नहीं नहीं, अभी इसमें दुश्मन कहाँ से आ गया?
कभी? आ बेल मुझे मार। अच्छा ये अन्ना भाई ने वो मेहमान को घर पे रहने को बुलाकर आ बेल मुझे मार कर डाला है। भाई 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 को क्या हुआ? भाई 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 हम लोग ये सोच रहे थे कि तुझे संधिवा होगा ही, ऐसा क्यों सोच के चल रही है तू? ऐसा सोच के तुझे संधिवा ना हो उसके लिए तुझे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तुझे व्यायाम करना चाहिए। अगवाई सासु भाई ने एकदम ऐसे ही बोला। तो फिर लेकिन कौन सा व्यायाम करूं महेंद्र बाबू? सिंपल है भारती। हा? देख मैं तुझे बताता हूँ। अपने दो हाथ ऐसे कमर पे रख, कमर सीधी। हाँ अच्छा। और फिर ऐसे पैर ऊपर करना, ऐसे चलना है जैसे तू किसी चीज को लात मार रही। तो अगर ऐसे चलेगी ना तो तुझे जिंदगी में संधिवा नहीं होगा। बराबर महेंद्र बाबू, बराबर, परफेक्ट परफेक्ट। अरे वाह, कीजिए ना। अगर अन्ना भाई ये बॉल निकल गए तो वैसे ज्यादा टेंशन नहीं है, अगर भारी जुलाब देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर जिसकी बॉल होगी वो ऐसी बॉल लेगा नहीं और फिर खाली होकर झगड़ा करेगा। आप टेंशन मत लीजिए अन्ना भाई, वाड़े में चलिए मैं कुछ करता हूँ। ए उर्मिली, ये तो आ बैल मुझे मार के बदले आ बॉल मुझे मार हो गया है ना। सॉरी सॉरी, आई आई वाड़े में चली, वाड़े में चली, आई। धीरे धीरे सारा धीरे, हम तो धीरे से ही खींच रहे हैं लेकिन ये अन्ना भाई भुक्कड़ बॉल भी चबा जाना चाहते हैं। आहो एक मिनट, थम्बा थम्बा थम। अन्ना अन्ना शांत शांत, मैं आपका श्रवण बाल, मैं रामबाण इलाज लेके आया हूँ। सुनिए प्लीज बोलो, प्लीज प्लीज। उर्मिला भाई प्लीज बोलिए, प्लीज प्लीज। बस बस बस, क्या अभी ताली बिल्ली बांधने की आवश्यकता नहीं है। ए दूसरी, किसने बोला था तुझे ऐसा फुंतरो सा बॉल फुटबॉल की तरह खेलने को? मुझे महेंद्र बाबू ने सिखाया। मुझे पता ही था कि असली खलनायक मेरे पड़ोस में ही होगा। ओ, ओ अन्ना भाई, एक तो मैंने आपकी बहू को व्यायाम सिखाया और आप मुझ पर ही भड़क रहे। दरअसल चार दिन पहले बोले थे महेंद्र बाबू, ये अन्ना का मुंह किसी ना किसी तरह बंद करना ही पड़ेगा। हाय हाय, तुझे कितना झूठा इल्जाम लगाते हैं ये। नहीं नहीं ना सच, प्रभाकर दादा ने, अपने प्रभाकर दादा ने अपनी आंखों से सुना। उर्मिला बहन, मेरा प्रभाकर है ना, मेरा प्रभाकर, वो भले ही गाने घटिया सुनाता है लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोलता मेरा बच्चा। अरे लेकिन आपका ये बेटा केशव तो झूठ बोल सकता है ना। अरे लेकिन प्रभाकर ने बोला ऐसा महेंद्र भाऊ। भगवान, कान के साथ साथ अक्ल का भी दिवालिया निकल गया इनका। अन्ना भाई, हाँ मैंने किया, बोलिए क्या कर लेंगे आप? अभी मैं बोलूंगा नहीं, अभी मैं करके दिखाता हूँ। तो करके दिखाइए, क्या करेंगे? किधर मेरा डंडा, किधर? अहो अन्ना, अरे क्या कर रहे हो?
लगा के, अभी कृष्णा आएगा स्कूल से और। अरे दो घंटे बाकी है निर्मिति, अब तक हो जाने दो 9:06:15। हाँ पापा, यानी मैं अभी महादेव पेट में पहुंचा हूँ। हाँ बस अन्ना का घर ढूंढ रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं पहुंच के फोन करता हूँ। ओके। हाँ, हमेशा अपने बारे में ही बात करना, मेरा नाम लेते हुए तो जबान में आग लग जाती है ना तुम्हारी। ए, अब तुम बिना वजह झगड़ा मत शुरू करो, मैं निकल जाऊंगा। और पापा को क्या पता नहीं है तुम मेरे साथ हो? हाँ, लेकिन मैं की जगह हम बोलते हुए तो जबान ऐड जाती है ना तुम्हारी। से हम, हाँ, वो पहले हुआ करते थे, अब मैं हूँ और तुम हो, हम तो है ही नहीं संगीता। देखो सुमित, बिना वजह बहस शुरू मत करो और मेरा दिमाग मत खराब करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो हो ही नहीं सकता। चलो चुपचाप, तुम चलो। अरे क्या कर रहे हो, क्या 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 कर रहे हो? मारिए मारिए, अभी हिम्मत है तो मारिए। अब बीच में से हट जाओ। अब ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ मैं। आपको मालूम नहीं है हम लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया इन गुजराती लोगों ने। आपको जिंदगी भर के लिए जेल में सड़वाऊंगा मैं, और फिर आप वहाँ बैठ के अपने अहंकार की चक्की पीसना। भाई, आप दोनों ऐसे खुलेआम झगड़ा करना बंद कीजिए, वरना सबको पता चल जाएगा कि हम आपस में दुश्मन हैं। वहिनी, हाँ, आपने दुश्मन का इशारा ऐसे दिल पे हाथ लगा के क्यों किया? ये दुश्मन का नहीं, ये दुश्मन में से मन का इशारा था। अरे बाप रे। अच्छा, अन्ना साहब का घर कौन सा है? एक मिनट, अन्ना साहब का घर तो क्या काम क्या है? मुझे ही सब लोग अन्ना साहब बोलते हैं। मुझे सुधाकर राव ने भेजा है, आपके मित्र, मैं उनका बेटा हूँ। दरअसल हमें आपके घर में रहकर ये सीखना है कि परिवार वालों के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ कैसे रहा जाता है। हमने जो अफवाह सुनी थी वो सच है? लग तो ऐसा ही रहा है। आपा जी ने हमें यहाँ शांति और प्यार का पाठ पढ़ने भेजा था, लेकिन ये लोग एक दूसरे पर ही मिसाइल अटैक कर रहे हैं। क्या हुआ? मतलब हमने जो अफवाह सुनी थी वो? आपने जो अफवाह सुनी थी अभी हमको नहीं मालूम आपने क्या अपवानी बिपा सुनी थी, लेकिन महेंद्र भाऊ धन्यवाद धन्यवाद, शाबाश शाबाश। नहीं 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 अन्ना भाई, सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, इनकी तो आरती उतारनी चाहिए। आरती नहीं नहीं, आरती नहीं, आरती नहीं, भजन भजन, इनके तो भजन गाने चाहिए। नहीं भजन ही भजन ही भजन, यज्ञ यज्ञ, इनके नाम का तो यज्ञ करना चाहिए। उसमें तो बहुत दिन लग जाएंगे उर्मिला वहिनी, फिलहाल आप आरती से ही काम चलाइए। वाह 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 वाह, कितना सुंदर, कितना अप्रतिम अभिनय किया है आप दोनों ने महेंद्र अन्ना भाई, है ना खरदुषणा बेन? हाँ, अरे एक पल के लिए तो मुझे लगा कि ये दोनों सचमुच में मारपीट कर रहे हैं। खरदुषणा अभी मैं क्या करूं खरदूषणा, मैं हूँ उत्तम अप्रतिम अभिनेता, मैं हूँ तो हूँ। महेंद्र भाऊ मेरे से थोड़ा कम है, लेकिन अच्छा किया, अच्छा किया। पर आपने ऐसा क्यों किया? ताकि आप दोनों को पता चल सके कि पति पत्नी का रिश्ता जब बिगड़ता है तो उसका असर पूरे परिवार पे पड़ता है। दो लोगों का जब तलाक होता है तो उन दोनों का ही नहीं, दो परिवार का जीवन बर्बाद होता है, है कि नहीं? बोलो। हाँ, अरे आप लोग क्यों बोल रहे हो? इन दोनों को बोल रहा हूँ हाँ बोलने के लिए। एक मिनट, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग अब भी आने वाले हैं? अच्छा सवाल। बोलो बोलो, जवाब जवाब सवाल।
सारी बातें यही खड़े खड़े करनी है क्या? हाँ। अंदर चलते हैं ना, चला 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 अंदर, चलो 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 चला अंदर चला। आई 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 चला। महेंद्र भाव, हाँ सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है ना, भले आपस में हमारी दुश्मनी है लेकिन अभी आपस में तय किया था, हमने तो मदद भी तो करनी पड़ेगी, बरोबर है ना? हाँ क्यों नहीं, बोलिए ना, क्या करना है साहब जी? बाड़ा साफ करना है, आंगन धोना है, पैसे कितने मिलेंगे? ये वापस पहुंच गए जवानी में महेंद्र, वर्तमान में आई है, वर्तमान में। जरा कुछ दवाई बिवाई पिलाइए ना इनको, उन लोगों के सामने कुछ गड़बड़ बिड़बड़ कर दी इन्होंने तो हमारे बीच का जो महाभारत है जिसमें हम लोग पांडव और तुम लोग कौरव है सब पता चल जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, अन्ना भाई साथ तो हम देंगे, लेकिन मैं कह देती हूँ इस बात का फायदा उठाकर अगर आपने सबके सामने हमसे कोई ऐसे वैसे काम करवाए है ना, तो मैं पहले ही बोल रही हूँ कि मैं सारा का सारा भांडा वहीं फोड़ दूंगी, फिर जो चाहे हो जाए। आप आवाज दी उर्मिला बहन मेरी बहन जैसी है, सगी बहन नहीं होगी, वैसी प्यारी है ये